all of you, and a very warm welcome to Khuda Bakhsh Library. Today we are here to listen a learned scholar with us. Aap sab inse waqif bhi honge, you must have heard him earlier also. He spoke on long back on interfaith understanding and its importance in Indian society. And as you all know, Khuda Bakhsh Library has its objectives. Among its objectives, this is one of the important aims to promote interfaith understanding and socio-communal harmony, preservation of knowledge and dissemination of knowledge are its basic objectives, and this is also a mode of dissemination of knowledge to listen to learned scholars, inki barson ki gyan ki prapti jo bhi hai, wo jo inhone knowledge hasil ki hai wo hum logon se share karenge. And you will be surprised to know that by profession he is a banker, but he has been studying different Indian religions since past several years, and he has researched and studied Hinduism, Jainism, Sikhism, Christianity, Islam and Buddhism. पिछले 5-7 साल से ये इनके गहरे अध्ययन में लगे हुए हैं, और अब ये हमसे आपसे अपने इस इल्म को, ज्ञान को शेयर करेंगे. एंड ही विल शेड लाइट ऑन रिलीजन, ए वे ऑफ लाइफ. भारत जो है ये मुख्तलिफ धर्मों, तहजीबों का एक समागम है. जैसे कोई एक हुफाइफ, बट आई शुड से दैट इट इज द वे ऑफ लाइफ, बिकॉज टू लिव इन कल्चर्ड वे, इन अ नोबल वे, व्हाट द हिंदुस्तानी वर्ड शराफत कनोटेशन इज, शराफत से जीना. ये वर्ड आप सभी जानते होंगे. मैं सर्च कर रही थी इसका क्या सिनोनिम क्या हो सकता है, तो समझ में नहीं आया. शायद सिविलाइज तरीके से रहना, जीना, दूसरे को भी जीने देना, खुद भी जीना. और आप बताइए इसका और क्या सिनोनिम क्या कह सकते हैं शराफत को, शराफत से जीने के लिए और क्या वर्ड आ सकता है? सिविलाइज तरीके से जीना, सभ्य होके जीना, शराफत से जीना, शराफत से रहना, शराफत के साथ रहना, बस इतना ही इस लफ्ज का भी मकसद है, और मजहब का, धर्म का भी यही है. आई थिंक सारे धर्म इस बात को आज तक कहते सिखाते चले आए हैं, और हम सबकी यही दिली आवाज भी होती है. Everybody knows about it. People have become habitual to not to live like a nobleman. They have become, and they are fastly becoming, I'm sorry to say, beast. The religion, which is another name of nobility, is the only way to teach each individual and each community to understand, to live peacefully, turning the hellish world into a paradise. सारे धर्म, सारे मजहब ये बताते सिखाते चले आए हैं कि इस तरह इस जहन्नमी दुनिया को जन्नत बनाया जा सकता है. क्यों? ये सब बातें सुनने में जरा अजीब लगती हैं, लेकिन आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने एम्स, अपने मकासद को हासिल करने के लिए
किसी पोजीशन पे पहुंचने के लिए साथ साथ हमारे अंदर ये चीजें भी इंकल्केट होती रहना चाहिए कि वी हैव टू बिकम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। अगर हम बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनते चले जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप लोग कहाँ पहुंच सकते हैं, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। सो इट इज देयरफॉर इनकम्बेंट अपॉन अस टू लिव रिलीजियसली, टू लिव इन अ नोबल लाइफ। Religion begets religiousness on the one hand and religiosity on the other. Religiousness is faith. The heart is its abode. Dil uska maskan hota hai. Religiousness ka. Sab kuch jo hai wo dil ke andar hota hai. Bahar nahi aata nikal. उससे ताल्लुक करना रखना, उससे कनेक्शन बनाना, वो दिल से दिल की बात होती है। हमें उसको शो ऑफ नहीं करना होता है। द हार्ट इज इट्स अबोर्ड, जहां रिलीजियसनेस होती है, रहती है। रिलीजियोसिटी इज द ड्रेस कोड, द यूनिफॉर्म विच इज टेलर्ड इन रिस्पॉन्स टू पेमेंट ऑफ मनी और पावर। आई होप यू अंडरस्टैंड द वेल नोन ह्यूमन वीकनेस। ये हर इंसान की कमजोरी होती है। मे गॉड सेव आर नोबिलिटी, आर शराफत, आर इंडियन वे ऑफ लाइफ, द कोर और स्पिरिट ऑफ ऑल रिलीजन्स। बस हमें इतना समझ लेना है कि सारे मजहब, सारे धर्म कंपैशन, मर्सी, काइंडनेस, लव, अफेक्शन जैसे क्वालिटीज को सिखाते बताते आए हैं कि हमें अपने अंदर ये इंकल्केट करना है। एंड अवॉइडिंग दिल आजारी, नॉट टू हर्ट एनीबॉडी। बस कोशिश ये करना है कि हम हर्ट ना करें, अपने जबान से, अपने एक्शन से, जहां तक पॉसिबल हो। एंड इट इज पॉसिबल, कोई जरूरी नहीं है कि इसके बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। इट इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, जस्ट लिव एंड लेट लिव। सोचिए अगर इन क्वालिटीज को हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो समाज में, देश में अमन का, पीस का माहौल होगा। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, देश तरक्की करते हैं, हर कॉर्नर में डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस और खुशियां नजर आती हैं। एंड वी हैव टू लीड आवर नेशन towards progress through adopting interfaith understanding and socio-communal harmony। खुदाबख्श लाइब्रेरी, जैसा कि आप जानते हैं, इस सिलसिले में पब्लिकेशंस भी बहुत शानदार लेके आई है और लेक्चर्स और टॉक्स भी, एग्जीबिशंस भी इन सब्जेक्ट्स पे अच्छे खासे होते रहे हैं। अब मैं इनवाइट करूंगी माधु साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हम लोगों को मौका दें कि उनके ज्ञान से हम लोग फायदा उठा सके। मोस्ट वेलकम सर, प्लीज कम। अभी हम आ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे अपनी लाइब्रेरी का, इसमें 3000 पुस्तक है, किताब है, और उसका नाम है पुस्तक मेरी मधुशाला। तो आ रहे थे तो उसका एक पन्ना पढ़ा जिसको हम आपके सामने शुरू करने के पहले पढ़ रहे हैं। रोटियां 3 दिन पुरानी थी, रोटियां 3 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन। वो गरीब बड़े आराम से खा गया, वो गरीब बड़े आराम से खा गया,
क्योंकि रोटी भूख के मुकाबले ताजी थी। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं जब अपने डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था लैपटॉप पर, तो सबसे पहले हिट किया नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का, जो फॉरेन में रहकर, फॉरेन विदेशी नागरिकता रहके भारत में सेवा के लिए समर्पित रही। तो उनका एक मैसेज है जो मैं पढ़ रहा हूं आपको। देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज गॉड टू ऑल, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज सीन एज इक्वल बिफोर गॉड। आई हैव ऑलवेज सेड वी शुड हेल्प ए हिंदू बिकम ए बेटर हिंदू, ए मुस्लिम बिकम ए बेटर मुस्लिम, ए कैथोलिक बिकम ए बेटर कैथोलिक। ये मदर टेरेसा का मैसेज है जो मैंने आपको पढ़ा। और उसके बाद मैं चाहूंगा दिखाना देयर इज ओनली वन गॉड, ये दिखा सकते हैं आप। देयर इज ओनली वन गॉड, कॉल हिम व्हाट एवर यू वांट, ऑल गॉड्स आर वन गॉड, बिलीव इन वन गॉड एंड ए रिलीजन कॉल्ड ह्यूमैनिटी। बिफोर आई एड्रेस आप लोग की इजाजत से मैं एक छोटी सी किताब लाया हूं जो डायरेक्टर मैडम शाइस्ता बेदार साहब को प्रेजेंट करना चाहता हूं, जिसमें ऑल रिलीजन्स की जो लोगो है, साइन है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। डायरेक्टर खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, बेटियों भाइयों और सभी उपस्थित गण, डॉक्टर शत्रुघ्न किशोर साहब, हमारे फैमिली फ्रेंड नसीम अहमद साहब, मसूद साहब और सब परम मित्र मेरे सब हैं यहाँ के, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि ये सातवीं बार हमें मैडम ने मौका दिया है बोलने का। सातवीं बार मेरे लिए बहुत ऑस्पिशियस भी है, क्यों कि मेरा नाम सात बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया विथ टू हैट्रिक्स, सात बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया विथ टू हैट्रिक्स, और सात सब्जेक्ट में हम फर्स्ट डिवीजन पास किया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से, और पांच किताब सिटीजन पर लिखा, और आप ही के तरह हम 72 साल की उम्र में स्टूडेंट अभी भी हैं। इसलिए आप हमसे गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं है, बल्कि हम भी स्टूडेंट की तरह आपसे बात करेंगे। जो देखा है टॉपिक वो है रिलीजन ए वे ऑफ लाइफ, बहुत उम्दा है, ये टॉपिक और नीड ऑफ द आवर भी है। और एक बार जो हमने गौर फरमाया कि रिलीजन को कैपिटल्स में लिखा गया है और वे ऑफ लाइफ को स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रिलीजन वही है समझिए जो माँ बाप और वे ऑफ लाइफ स्मॉल लेटर में जो बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाते हैं चलना, कैसे जीवन की कला निभाना है, वही स्टाइल में लिखा गया रिलीजन। रिलीजन माँ बाप की तरह लग रहा है और वे ऑफ लाइफ एक बच्चे की तरह लग रहा है। सबसे पहले हम सभी धर्मों, सभी धर्मानुयायियों, सभी पर्वों, सभी मजहबों, सभी धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, सजदा भी करते हैं। धर्म कोई बता सकते हैं धर्म किस भाषा में है शब्द? ये जो है धर्म हिंदी है, बंगला है, उर्दू है, संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, किसमें है? यस यस कम अप,
संस्कृत संस्कृत है। वेरी गुड, एक जोरदार ताली मारिए। पहली बार बहुत बढ़िया। धर्म का मतलब राइटियसनेस, राइटियसनेस और वे ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की कला, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, जीवन की शैली को हम लोग वे ऑफ लाइफ कहते हैं। धर्मानुयायी जो होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, वो ही संस्कृति और सिविलाइजेशंस को बनाना चाहते हैं, धर्म को ही अपनी कल्चर और सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं। जबकि सिविलाइजेशन एंड कल्चर धर्म है हमारा। भारतवर्ष धर्मों का जनक रहा है, समागम है, जैसा मैडम ने कहा समागम। वर्ल्ड के बहुत सारे धर्म को यहाँ अपनाया गया है, यही इसकी खूबसूरती है। गुलदस्ते के रूप में है, अलग अलग फूल को एक गुलदस्ते में रख दीजिए तो बहुत सुंदर लगता है, अलग अलग रखिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ये विश्व के लिए मिसाल है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म का जन्म स्थली बिहार है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। शायद पूरे देश में कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां दो धर्म का जन्म स्थली हो। मार्क ट्वेन ने कहा है कि भारतवर्ष में सालों भर चाहे लोकल, चाहे रीजनल, चाहे नेशनल, किसी न किसी कोने में पर्व मनाया जाता है। कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स कहा है मार्क ट्वेन ने, और ये बात सही भी है। और जब जब हम अपने जीवन में असहाय महसूस करते हैं, असमर्थ महसूस करते हैं, तब तक हम एक अलौकिक दृष्टि की तरफ देखते हैं। स्पिरिचुअल पावर की तरफ देखते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, डॉक्टर साहब भी जानते होंगे जब पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो डॉक्टर बनते हैं प्रे टू गॉड। धर्म जो है उसमें हम लोग कॉमन दो चीज है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी आप धर्म लीजिए, विश्व में जितने भी धर्म है उसमें दो कॉमन चीज है। एक है मानवता एवं नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, किसी भी धर्म में आप लीजिएगा मानवता, ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, और मोरलिटी, हार्मोनी पैदा करता है। आप किसी भी धर्म का पन्ना पलट के देखिए ग्रंथ का, उसमें एकदम ये दो चीज कॉमन है। हम लोग धर्म से डरते बहुत हैं, धर्म से डरते भी बहुत हैं। कोई प्रसाद दिया लड्डू नहीं खाएंगे डायबिटीज है, लेकिन कहिए कि नहीं नहीं मंदिर में चढ़ाया हुआ तुरंत खा लेगा कि प्रसाद है नहीं। ये मतलब कि हम लोग का मतलब कि धर्म का डर है जिसको कहते हैं, तो डर नहीं है। हम लोग धर्म को महसूस करते हैं, फीलिंग और विलिंग दो चीज है जो धर्म का मान सम्मान ऊंचा है। वही टू थिंग्स के कारण हम फील करते हैं। जब जब हम असमर्थ घबराहट होती है तो हम लोग धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं। और विलिंग भी है, विलिंग का मतलब डिजायर, हर समय हमारी इच्छा है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिर मस्जिद या किसी भी धर्म स्थान पर लोग गॉड को, ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को मानते हैं, उससे मानते कम है, मानते नहीं है, मांगते हैं उससे, जब जाते हैं तो मांगते हैं, जबकि खुद जानते हैं, गॉड तो खुद जानते हैं कि आप किस लिए आए हैं, क्या आपकी कमी है उसको देने के लिए। मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, हमारा अपना विचार है इसमें। टू कंट्रडिक्शंस की बात मैं कर रहा हूं। बौद्ध धर्म में नास्तिक धर्म कहा गया बौद्ध धर्म को, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन उनका आउटलुक जो है वो बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ है। क्रिश्चियनिटी में क्या है कि नहीं, गॉड को मानते हैं, ओनली गॉड, ओनली गॉड, और उसी पर वो चलते भी हैं, उसी को मार्गदर्शन भी मनाते हैं, अपनी वे ऑफ लाइफ को लीड करते हैं।
हम आपको विभिन्न धर्मों को बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं संक्षेप में। कहे कि धर्म के बारे में चर्चा कीजिएगा तो लेंथ एंड ब्रेथ बहुत लंबा है और बहुत विरोधाभास भी है, तो उस चीज में हम नहीं जा रहे हैं। हम ब्यूटी ऑफ दी धर्म बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ये देखिए, सभी धर्म का लोगो है इसमें, ये जिसको हाथ में उठाया गया है। और एक अमेजिंग फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, अमेजिंग फैक्ट्स। मंदिर सिक्स वर्ल्ड में है, मस्जिद सिक्स वर्ल्ड में है, चर्च सिक्स वर्ड में है, गीता फाइव वर्ड्स में है, कुरान फाइव वर्ड्स में है, बाइबल फाइव वर्ड्स में है। ऑल एंड दे ऑल सेज द सेम, सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, गॉड इज वन। एक किताब घर में रखी गीता, रामायण, पुराण आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उन तीनों को नहीं पढ़ते। इफ योर रिलीजन रिक्वायर यू टू हेट समवन, प्रचलन है आजकल, इफ योर रिलीजन रिक्वायर्स यू टू हेट समवन यू नीड अ न्यू रिलीजन। हमारे कोई अगर आ जाए छात्र तो दिखाते भी रहेंगे साथ साथ, बड़ा अच्छा लगेगा। एक कोई आ जाएंगे, आप आइए। देखिए नमस्ते भारत हम कर रहे हैं। मेरा मजहब तो ये दो हथेलियों को बताता है, ये दो हथेली जो है वही मेरा मजहब है। अगर जुड़ जाए तो पूजा, अब खुल जाए तो दुआ। जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, हमसे विदेश में हर एक बार लोग पूछते हैं कि आप भारत से आए हैं तो आपको भारत में सबसे अच्छी चीज क्या नजर आती है, क्या चीज है जो आप भारत के बारे में बोलना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं भारत का नक्शा। भारत का नक्शा देखिएगा तो बहुत गॉर्जियस लगता है, और इतना लंबा चौड़ा चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। और दूसरी खूबसूरती इसकी जय हिंद है, जय हिंद है। जय हिंद क्या है कि जब झंडा फहरता है तो सबसे पहले हम सलामी देते हैं और तब बोलते हैं जय हिंद। यही हमारी एकता है, यही हमारी विशेषता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर उतना ही आप जानिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें क्या है, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर ये समाज यही तीन चीज खाली अडॉप्ट कर ले तो सारी समस्या का समाधान है। महात्मा गांधी का आपने तीन देखा होगा बंदर, बापू के तीन बंदर, एक है बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। सुना होगा, मेरा अपना सोच है कि Do not write fake news, do not read fake news, do not subscribe fake news. रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। अब हम धर्म का शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला धर्म हम शुरू कर रहे हैं जैन धर्म का। आपको अजीब लगेगा कि जैन धर्म से ही क्यों शुरू किया गया, इसलिए शुरू किया गया है कि हम अभी जो मेरा रिजल्ट आया है तो जैन धर्म पर ही हम फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, तो हम फ्रेशर हैं। जैन धर्म भगवान महावीर का है, वहां तीर्थांकर कहलाते हैं, 24 तीर्थांकर। पहले थे पाशर,
ऋषिदेव, ऋषिदेव जो थे पहले तीर्थंकर थे, वो 8वीं शताब्दी बीसी के पहले, एरा के पहले, भाई 24वें तीर्थंकर महावीर थे। इन्होंने अहिंसा, चोरी ना करो, अपरग्रह, अपरग्रह मतलब होर्डिंग नहीं करो, कोई दे रहा है तो उसको होर्डिंग कर रहे हैं घर में, जमा कर रहे हैं वो मत करो, और ब्रह्मचर्य का किया। इनका मुख्य सिद्धांत अहिंसा था। अहिंसा का मतलब ये नहीं खाली कि किलिंग, किलिंग नहीं है कि किसी को मार दिया वही हिंसा हो गई। उन्होंने कहा है कि हिंसा के बारे में अगर आप सोचते भी हैं वो भी एक हिंसा है। सोचना, किसी को शारीरिक कष्ट दे रहे दीजिए, मानसिक भी अगर कष्ट दे रहे हैं तो वो हिंसा के संदर्भ में आएगा। इनका एक पर्व अभी हाल में मनाया गया था, अभी देखिए लगातार पर्व मनाया गया है। अक्टूबर में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन मनाया गया, 8 नवंबर को गुरु नानक का जन्म है, उसके पहले श्री कृष्ण का जन्म देखा, उसके बाद पहले बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध का देखा आपने। इस पूरे मतलब कि साल में देखिएगा किस तरह से फेस्टिवल चल रहा है। एक फेस्टिवल का जिक्र और फिक्र हम कर रहे हैं आपको कि 10 सितंबर को मनाया गया था पाषण, जिसको पर्युषण पर्व भी कहते हैं। पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जैन धर्म का कि जिसमें पूरे विश्व में जैन बंधु माफी मांगते हैं अपने रिश्तेदार से, अपने पारिवारिक दोस्त से, कि हमको पूरे साल में जो भी हमसे गलती हुई होगी माफ कर दीजिएगा। और वो महावीर से उनके यहाँ कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है, उनके आचरण की पूरा होती है, कैरेक्टर की। कैरेक्टर में महावीर का था, पाशर का था, नेमीनाथ का था, ऋषभदेव का था, तो उनके कैरेक्टर की पूजा होती है, कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती है। कैरेक्टर का मतलब जिसने अपने को जीवन को पूरा सेवा में त्याग दिया है। इसीलिए उन लोग कहते हैं कि हम सिद्ध को करते हैं नमस्कार, हम आचार्य को करते हैं, हम उपाध्याय को करते हैं, इस तरह से उनके यहाँ है नमस्कार करने का। दूसरी चीज क्या है उनके यहाँ कि मुख्तार साहब एक लिखा है उन्होंने जिसको मॉडर्न प्रार्थना कहते हैं, मेरी भावना, मेरी भावना लिखा है उसमें 12 है कि सारे लाइफ का पैटर्न बताया कैसे जीना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस तरह की बात बताया गया है। और उसका एक पद हमको बहुत अच्छा लगा जो राजा राणा छत्रपति हाथी के अवसार, राजा राणा छत्रपति हाथी के अवसार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, दान बिना निर्धन सुख दुखी, तृष्णा बन धनवान, कहूं ना इस सुख संसार में सब जग देखो छान। यही 12 जो उनका भावना थी ना उसका संदर्भ बताया गया था। ऋषिदेव ने ही पढ़ाई शुरुआत की। सोचिए कि 8वीं शताब्दी मतलब ईसा के 8वीं शताब्दी पूर्व में दोनों बेटियों को शिक्षा उन्होंने दिया था, एजुकेशन, अंक गणित बताया था, और वो प्रोटेक्शन के लिए भी शिक्षा दिया था उन्होंने। और एक खास बात है उनका अनेका बार कि हम लोग एक चीज पहलू देखते किसी का, अब वो देखते खराब है धर्म, वो देखा खराब है, वो खराब है, नहीं, विभिन्न पहलुओं को जब तक नहीं आप देखिए तब तक मत बोलिए। क्या होता है कि आजकल हम लोग का जितना कम ज्ञान है धर्म के बारे में उतना अहंकार प्रबल है, बिना सोचे समझे जिसका चाहते हैं विरोध कर देते हैं। इसलिए उसको देखिए, दोनों साइड से देखते रहिए कि क्या हो रहा। और उसके रहस्यवाद भी बताया उन्होंने कि अगर देख भी लिया है हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहना पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है, हल्के से कह रहे हैं वो सब बात। और उनका जैन धर्म का एक सबसे बढ़िया चीज हमें जो लगा वो है उनका लोगो, जो 1975 में 2500 वर्ष हुआ था महावीर का, भगवान महावीर का, तो उन्होंने एक लोगो बनाया जो कि रिकॉग्नाइज भी किया गया है,
उसमें लोगों तो हम जो दिखाना दिखा दे, परस्परो परोगृहे जीवनाम जीवानाम, ये उनका पंचलाइन है। इसका कहने का मतलब कि प्रत्येक जीवन परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, यही जीवन का लक्ष्य है। यही प्रतीक प्राचीन नहीं है, लेकिन जैन विश्वास प्रणाली पूर्णतः का प्रतिनिधित्व करने के लिए महावीर के निर्माण के 2500वीं वर्षगांठ पर 1975 में बनाया गया था कि एक दूसरे पर निर्भर रह के जिंदगी को जीना चाहिए। ये बात आपको हमने संक्षेप में धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया। और जैन धर्म के ही समय से वैशाली में गणराज हुआ, रिपब्लिक, वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक जो हुई है ये जैन धर्म के समय से शुरू हुई। अब मैं आपको संक्षेप में ही बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा हूं। बौद्ध धर्म जो है, ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को, एक राजा का बेटा जिसको 12 ऋतु में 12 महल था कि बाहर नहीं जाए, आराम की ऐशो आराम की जिंदगी जिए, और एक नाइट वो घर छोड़ देता है अपनी पत्नी को देखते हुए। रात में राहुल पिट्टा था, उसको देखते हुए निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि एक राजा का बेटा इतना बड़ा त्याग कर दे। और भिक्षु का हर्षवर्धन जब वो राजगीर में मिले तो कहा कि तुम घर लौट जाओ, तुम राजा का बेटा हो, तुम नहीं कर पाओगे ये। कहा कि नहीं, अब नहीं लौटने का टाइम है, पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं अब है मेरा। तो बिहार जो वर्ड चला है उसी समय से चला था, एबोड बहार, बिहार को बहार कहते थे। और धर्म जैसा आपने कहा संस्कृत शब्द है, कोई बता सकते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि जो बोला गया है, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये किस भाषा में बोला है बौद्ध धर्म में? पाली में। बहुत अच्छी बात है, बहुत जोरदार ताली बजाना चाहिए सब जानकारी को। ये भारत के दो खास धर्म थे जिनके बारे में मैंने दिखाया। गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध हैं, इन्होंने अप दीपोभव, ये अप दीपोभव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, बी ए लैम्प अनटू योरसेल्फ, ये कब कहा मालूम है आपको? जब वो महानिर्वाण प्राप्त कर रहे थे, डेथ कर रहे थे, तो उनके परम प्रिय शिष्य जो थे अनंत, उन्होंने पूछा कि आप इस दुनिया से विराजमान हो रहे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कुछ रह नहीं पाएंगे। उसी से संदर्भ में बोले थे कि अब दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, और मैं भी चाहूंगा कि आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए। ये मत कहिए कि वो कमी हो गई, ये कमी हो गई। उनके यहां अष्टांगिक मार्ग है, आठों जितना है ना लेट के करते हैं ना, अष्टांगिक मार्ग करते हैं उन लोग अपना। और पंचशील तो सभी लोग सुना होगा, यहाँ पर पंचशील 5 का, चोरी ना करो, बुरी बात ना करो, सब बताया गया है पंचशील में, यही सब बात बताया गया है। उनका भी था अहिंसा का, लेकिन महावीर की अहिंसा का दूसरा रूप था। इनका अहिंसा था खाली किलिंग, और महावीर का था कि मानसिक रूप से भी आप किसी को मत कर दें। पगोडा भी इनको कहते हैं, उसको स्तंभ भी कहते हैं, थुम्पा भी कहते हैं। ये उनका राख जो होती है ना, उस पर जो स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं पगोडा। ये महावीर के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया। ये भी नास्तिक, जैसा कि हम बताए थे कि ईश्वर को नहीं मानते थे। एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं यहां पर उनका मत में, कि जब सारनाथ में गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे, त्रिपिटक कहते हैं उसको, 3 बास्केट में है, त्रिपिटक अनुशासन का है अपना, तो भिक्षुक जो थे वो आगे बैठे हुए थे, लेकिन रतनगिरी पहाड़ पर 10,000 भिक्षु थे वो पीछे बैठे हुए थे। उसका रीजन था कि जब भिक्षु बहुत हो गए, मतलब शिष्य जो लोग थे, तो वो इकोसिस्टम से पढ़ाते थे। मैं रतनगिरी पहाड़, दो है रतनगिरी पहाड़, एक राजगीर है, एक महाराष्ट्र में है।
तो रतनगिरी पहाड़ जो राजगीर में है वो इको से पढ़ाते थे, उस समय माइक नहीं था, इस तरह का माइक नहीं था, तो जो बोलते थे गौतम बुद्ध वो पीछे जाता था और सुनते थे लोग। ये ब्यूटी है, ये देखिए क्या कि लोग कहते ना कि हमारे पास कलम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे फादर मदर नहीं करते, देखिए क्या कंस्ट्रेंट था, और उस कंस्ट्रेंट में 10,000 बिच्छू को उपदेश दे रहे हैं। मैं अगला कदम सिख धर्म पर ले रहा हूं। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। वस्तुतः मैं बता देना चाहता हूं कि श्री गुरु नानक की कंट्रोवर्शियल बात नहीं होनी चाहिए, मैंने जो पढ़ा है उसके बता रहे हैं कि इनका कार्तिक पूर्णिमा में नहीं हुआ था जन्म, इनका जन्म बैसाख में हुआ था। लेकिन जब ये ननकाना साहब जो पाकिस्तान में है, जब वहां पे बहुत कम लोग इनका जन्म मनाते थे, और अमृतसर में कार्तिक पूर्णिमा में बहुत भीड़ लगती थी, तो लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया कि अब इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाए। अल्लाह अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजाया, कौन भले कौन बंदे, कौन खराब है कौन बुरा है अच्छा है कहना ठीक नहीं होगा। इनमें 10 गुरु हुए, सजीव गुरु 10 हुए, और अंतिम गुरु जिनको इन्होंने कहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सारे धर्मों में आकाशवाणी हुई, कुरान में हुआ, वेद में हुआ, सब अपना अपना अवतार लिखा गया है उस पर। यही एक धर्म है जहाँ कहीं आकाशवाणी नहीं हुई है। यहाँ पर रविदास ने लिखा, सूफी संतों ने लिखा, गुरुओं ने लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने लिखा है, और वही है जो लिखा है उन्होंने, वही उनका ग्रंथ है। इनका पहला है त्याग, निष्काम सेवा, विदाउट मतलब कि कोई ऐसा नहीं कंडीशन कि हमको गिव एंड टेक हो, ऐसा नहीं, निष्काम सेवा है, लंगर। और इनके यहाँ पहला लंगर तब संगत, कितने भी बड़े हो जाइए लंगर पहले कीजिए, खाइए पहले और तब संगत में आइए, और बैठ के खाना है, जमीन पे बैठ के खाना है, इक्विटी को शो करता है। और देखिएगा कि एक साथ सब बैठते कौन कास्ट है, कास्टलेस सोसाइटी नजर आएगी, किसी तरह का पता नहीं चलेगा आपको, ये बहुत बड़ी खासियत है। और पटना साहिब गुरुद्वारा की मैं एक और खासियत बता देता हूँ कि मस्जिद भी है, जैन धर्म का भी है मंदिर, वहां पर सटा हुआ बाउंड्री वॉल से सटा हुआ है, और दोनों का तालमेल, शायद हमको लगता है विश्व में ऐसा नहीं होगा, जब यहाँ कीर्तन होता है तो वहां अजान नहीं होता है, जब वहां अजान होता है तो यहाँ कीर्तन नहीं होता। ये बहुत बड़ी खासियत है इस पटना साहिब गुरुद्वारा की। और अमृतसर गुरुद्वारा में तो मियां मीर साहब ने ही पहला ईंटा रखा था, फाउंडेशन जो रखा था पहला रखा था। सीख का मतलब होता सीखना, लर्निंग को कहते हैं, और सैक्रिफाइस भी बहुत है। देखिए वहां पंच प्यारे जो हम लोग बोलते हैं ना, है पंच प्यारे, वो डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट रीजन के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे, और उन लोग को उन्होंने गद्दी पर, गुरु गद्दी पर बैठाया, और गुरु गद्दी से फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने शिक्षा प्राप्त किया है। और चार बेटे के इंतकाल हुआ तब भी कहते हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, चार हुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार, सब हमारे लोग तो अपने ही बेटे हैं, होल वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी चीज है। और पवन गुरु, पिता पानी धरती माता, फर्टिलाइज है धरती को कहते हैं। गुरु पवन को क्यों कहते हैं, हम चाहते हैं कि आपसे कुछ विचार विमर्श कर ले इस पर। अगर पवन नहीं रहे, हवा नहीं रहे ना, तो मेरी बात कैसे कम्युनिकेट होगी, आप तक नहीं होगी। हवा बंद हो जाए, यहाँ नहीं रहे हवा, तो हम कम्युनिकेट भी करेंगे तो आप सुन नहीं सकिएगा।
इसीलिए मेरा गुरु जो है पवन है, इसीलिए दैट इज ओनली रीजन कि पवन मेरा गुरु है। और गुरु नानक ने मेरिट कंसिडरेशन किया, अपना बेटा को नहीं बनाया गुरुगत नहीं दिया कि नहीं एक तो नास्तिक है वो तो करेंगे नहीं, और दूसरा बहुत वह है कि धर्म में मतलब कि इधर उधर करता रहता है, हम उसको नहीं बनाएंगे। मेरिट कर से अंगद को बनाया, अंगद कहते अंग, अंग को नाम था उसका लहना, लेकिन अंगद करके किया कि मेरा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है कहिए, उसको गुरुगद्दी सौंपा, उनको गुरुगद्दी सौंपा। मतलब मेरिट कंसिडरेशन देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग क्या आज भी कुछ ना कुछ रूप से पैरवी काम करती ही है, लोग पूछते भी हैं जैसे इंटरव्यू में तो कोई पैरवी नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, सबसे पहला क्वेश्चन कैंडिडेट पूछता है कोई जान पहचान है आपकी, ये पहला क्वेश्चन है। उस समय जान पहचान रहने पर भी बेटा ही था लेकिन नहीं दिया उन्होंने कर दी। और ये गुरु ग्रंथ साहिब का है, फिर इनका जो है नाम जपना, हर समय अपने गुरु को नाम जपना, कीर्त करना, अर्निंग ईमानदारी से कमाना और वंड छकना मतलब शेयरिंग करना, खाने के पीने की चीज में शेयरिंग करना है। एक ओंकार, इनके अभी एक ओंकार है गॉड इज वन, एक लिख ओम लिखने के बाद उन्होंने एक लकीर दे दिया कि एक ही गॉड है, ये लकीर का मतलब है कि एक ही गॉड है, ओनली वन गॉड। और गुरु नानक का एक चीज आता है कि ट्रूथ तो खैर गॉड इज ट्रूथ, ये भी कहा गया है क्योंकि ओनली गॉड नोज द ट्रूथ, हम लोग आपस में आप बात करते तो यही बोलते हैं ओनली गॉड नोज द ट्रूथ, सत्य सिर्फ भगवान जानता है, लेकिन ट्रूथ इज हायर देन एवरीथिंग बट हायर स्टिल इज ट्रूथफुल लिविंग, ईमानदारी के साथ रहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियनिटी बाइबल यहां त्रिपिटक है, इनके अभी तीन है, तीन चीज बताया गया है, एक तो बताया गया जेसस को फादर और मदर, तीन का इनके है, ये देखिए इनकी तस्वीर है और ये है क्राइस्ट का क्रूसीफाइड हुए थे, फ्राइडे को क्रूसीफाई हुए थे तो गुड फ्राइडे मनाते हैं, गुड फ्राइडे सैड दिन है, गुड फ्राइडे का मतलब गुड नहीं है बैड है, और संडे को ईस्टर मनाते हैं लोग, इन्हीं की याद उसमें। और जन्म जब हुआ होगा सोचे मरियम का कितना नजारत में बेथलम पहाड़ के बीच से छिप छिप के जाना पड़ा था उनको, इतना नदी नाला पहाड़ को क्रॉस करते हुए, गाय कि वहाँ पे दूसरे लोग भी उस पर अत्याचार कर रहे थे उसको बचते हुए, और ये तो आकाशवाणी हुई थी वर्जिन थी, और इनका प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स तीन तरह के होते हैं और भी हैं इनके यहाँ, बस वही हमने जो बताया परम पिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह ईशा ईशु कहते हैं जिसको, और पवित्र आत्मा। इनके यहाँ प्रेम, प्रेम का बहुत है भाईचारा प्रेम, और माफी करना किसी को माफ कर देना। ईस्टर इनका मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने कहा, धर्म प्रार्थना करने के लिए, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं लोग क्रिश्चियनिटी में, क्रॉस क्यों पहनते हैं क्योंकि क्रूसीफाई हुए थे इसीलिए इन लोग क्रॉस अपने यहाँ पे भी गर्दन में भी पहनते हैं। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम, मैं अब इस्लाम धर्म पर कह रहा हूँ, इस्लाम धर्म में बोलने के पहले एक खासियत मैं बता देता हूँ कि यही एक धर्म हम पाया कि 24 घंटे अल्लाह को याद करते हैं, 24 घंटे आप मिलिएगा ना उस समय भी वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम इस तरह से जरूर आपस में एक्सचेंज करते हैं निश्चित रूप से किसी भी समय सुबह शाम जिस समय होता है। तो ये बहुत बड़ी खासियत इस्लाम मतलब कि अल्लाह को याद करना है अपना, इस्लाम का मतलब शांति, शांति अगर गूगल में सर्च कीजिएगा ना तो शांति प्रेम भाव भाईचारा लेकिन शांति वर्ड है लिखा हुआ उसमें इस्लाम का। और
अधिकतर बच्चे कहते रहते हैं कि ये कमी रही, ये कमी, लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो सोच लीजिए कि ऐसी मान्यता है कि पिता का, अब्बा का इंतकाल हो गया, कुछ ही साल में माँ का, अम्मा का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद दादा उसका कंधे पर रखे, उनको पालन पोषण किए, उनका भी इंतकाल हो गया। अब सोचिए एक अनाथ बच्चा, न दादा न अब्बा न अम्मा, वो आदमी अरब रेगिस्तान कबीला जिसको हम अंधकारमय युग कहते हैं, वहां इस्लाम फैला देना ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। इतने कंस्ट्रेंट के बाद और साम दाम दंड भेद होते हुए भी जानते थे, तभी उन्होंने बदर की लड़ाई किया, मदीना में हुआ और इतने बड़े धर्मगुरु बने हुए नबी, नबी ये बहुत बड़ी खासियत है इस्लाम धर्म की, मैं बता रहा हूं। इस्लाम में भी अनकंडीशनल फेथ है अल्लाह पर, ओनली अल्लाह। हमने जो पढ़ा है सरेंडर अंडरस्टैंडिंग वर्ड लिखा कहीं कर पर कि एकदम टोटल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये उनका जो पांच है, रोजा नमाज जकात और हज, ये इनके धर्म का विशेषता है। आज भी क्यों इनके यहां सूदखोरी को गुनाह माना गया है, क्यों बनाया गया है कि अगर ब्याज या सूद इंटरेस्ट का बढ़ावा देंगे तो धनवान धनवान और हो जाएंगे और गरीब हो जाएगा। इसलिए आप देखिएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो बैंक में इंटरेस्ट वगैरह जो होता है वो खैरात कहिए जकात कहिए उसमें बांटते, एक तो लेते नहीं है और नहीं तो बांट देते हैं। और जहां तक हम सुने कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं होता, बचत खाता वगैरह पर इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए देखिए इतनी सादगी के जीवन, इतना होने पर भी सादगी का जीवन बिताया, और आपको जानकर हैरत होगा कि 100 संतों का फोर्स कंपनी ने, फोर्स ने सर्वे किया, और उस सर्वे में अमरीकी लेखक का खगोल भौतिकवाद माइकल एच हट ने इतिहास के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम सर्वप्रथम रखा है। यह चयन उन्होंने आस्था नहीं बल्कि सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक जीवन में पैगंबर के प्रभाव के कारण किया। हम चाहेंगे कि इस पर एक जोरदार ताली बजे। बहुत ही सादगी के साथ इस्लाम के उदय ने आपसी एकता और भाईचारे की फिजा कायम की है। वास्तव में जिस इस्लाम सभ्यता और सहिष्णुता का प्रकाश स्तंभ बन रहा था उस समय यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, यूरोप अंधकार युग में जी रहा था। देख लीजिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बावजूद भी, शत्रुओं से जब पैगंबर मोहम्मद साहब का हुआ लड़ाई तो उपरांत उन्होंने सार्वजनिक क्षमादान किया, कोई द्वेष प्रतिशोध नहीं किया, रिवेंज की पॉलिसी नहीं अपनाया, क्षमा कर दिया। यह व्यवहार 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में विश्व इतिहास के लिए कल्पना से परे था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नहीं खून का बदला खून से लेंगे, और उस समय क्षमादान किया, यह सोच की बात है। हालांकि उनके अत्याचारों से तंग आकर ही मक्का के पलायन पर मदीना जाने में लिए विवश होना पड़ा था। स्टेलिन ने भी कहा है कि आपने मक्का के लोगों को आम माफी दे दी, ये वही लोग थे जिन्हें अत्याचार कर आप वर्षों निशाना बने रहे। मोहम्मद साहब विश्व के एकमात्र मनुष्य थे जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही अंदाज में पवित्र जीवन व्यतीत करते रहे। ये देखिए बहुत बड़ी चीज है कि जीरो से लेके हीरो तक में एक साथ सिंपल लाइफ लीड किया। हम लोग तो जरा सा पैसा हो जाता तो और चमकदार जूता बदल देते हैं हम लोग, या और बढ़िया होना चाहिए। पैगंबर साहब के व्यवहार के कायल उनके शत्रु भी रहे। 40 वर्ष की आयु में नबूवत की घोषणा से पूर्व ही मक्का वासियों ने उन्हें
अमीन, सादिक, अमीन का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, क्या होता है अमीन का मतलब बताइए, अमीन का मतलब विश्वास पात्र क्या होता है बताइए, अमानतदार, सादिक, सच्चा, स्वीकारा। मोहम्मद साहब हर मामले में पूरी तरह व्यवहारिक थे, खान पान, रहन सहन, पहनावा, माता पिता, सगे संबंधित पड़ोसियों से व्यवहार से लेकर जीवन से जुड़ी पहले पहलू पर हिदायत दी। पूरी जिंदगी एक आदर्श है, उनके निर्देश का पालन कर एक बेहतर समाज, सब समाज और विश्व शांति की कल्पना को स्वीकार किया जा सकता है। ये फोर्ब्स कंपनी ने लिखा है जब उन्होंने 100 में से सिलेक्शन किया था, और ये ऑथेंटिकेट न्यूज है। एक अभी मैं फ्रेंड देख रहे थे, बोला कि नमाज के आगे अगर आप झुकते ना हैं तो आपको जिंदगी में कहीं नहीं झुकना पड़ेगा। ये पंच लाइन बहुत बड़ी प्रलोभ है, ये सीख है हमारे लिए, समझ रहे हैं ना। आपको शायद मालूम भी होगा अशफाकुल्ला खान जो थे पोखरी कांड में, उनको फांसी दी गई थी, पहले मुस्लिम थे क्रांतिकारी जिनको फांसी दी गई थी। ये आपको देखते ही होंगे मक्का मदीना का है ये। ये देखिए नमाज का हम जहां तक लाए हैं, ये पोस्चर है, गूगल से लिया है इमेज को हमने। एक पोस्चर जो हमको लगा कि जो ये अपना मेरा अपनी सोच है, हो सकता गलत भी हो, कि माँ वॉम में, माँ के गर्भ में जब रहता है ना बच्चा, जिस ढंग से बैठा हुआ उसी ढंग से नमाज में भी एक पोज है जो बैठते हैं। We are not complete by you and I. Without you and I, हम कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। उसका पहला उदाहरण है मुस्लिम, देखिए हिंदू, without you and I, we are incomplete. एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एक अभी अगस्त में जन्माष्टमी मनाई गई थी, जन्माष्टमी मनाई गई थी, सूरदास ने मैया मरी मैं नहीं माखन खाए हो। ये ऐसा है कि सूरदास ने लिखा ब्रज की भाषा में और फेमस हो गया, मतलब इसका तुलना में अभी तक ब्रज भाषा में किसी ने कुछ नहीं लिखा। इसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि दो पिक्चर आई थी मुगले आजम, सबको याद होगा, और कोहिनूर, 1960 में कोहिनूर आई थी और मुगले आजम, उसके मोहे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, इसको लिखा था शकील बदायूनी ने, नौशाद ने म्यूजिक दिया था, डायरेक्टेड बाय के आसिफ, समझ रहे हैं ना। देखिए जन्माष्टमी का गाने को किसने कंट्रीब्यूशन किसका है देख लीजिए आप। और कोहिनूर में भी कंपोज किया था शकील बदायूं ने, मधुबन में राधिका नाचे रे, और म्यूजिक दिया था नौशाद ने, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और पिक्चराइज हुई थी दिलीप कुमार पर, यूसुफ खान पर हुई थी। और यही सेकुलरिज्म का हमारे हिसाब से लगता है कि एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है। अब मैं वी कैन सर्वाइव विदाउट रिलीजन बट विदाउट स्पिरिचुअलिटी नहीं सर्वाइव कर सकते। हर कोई किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक है,
हर समय कुछ ना कुछ ध्यान करता ही है अदृश्य शक्ति पर। और ऐसा हमारा अपना है सोच कि जो आध्यात्मिक होता ना उसकी लॉन्जिविटी बहुत रहती है, 55% लोगों की लॉन्जिविटी बहुत रहती है। इसीलिए देखिएगा कि जो भी संत लोग हुए हैं, फकीर लोग हुए हैं, सूफी लोग हुए हैं, उनकी उम्र बहुत हुई है। पर्यावरण से जुड़े थे, खूब गुफा में रहते थे, पेड़ के नीचे रहते थे, जंगल के, हम लोग पर्यावरण आज कहते हैं, उन लोग जो सदियों से रह रहे हैं, कोई गुफा में रहते थे, कोई जंगल में रहते थे, कोई पेड़ के नीचे रहते थे, पर्यावरण से उनका जीवन व्यतीत हुआ। तो हिंदू धर्म पर हम आ रहे हैं, हिंदू धर्म जैसे उसमें कुरान है, बाइबल है, उसी तरह से हिंदू में भी बहुत तरह का है, वेद है, पुराण है, गीता है, और इनका जो वो है स्वास्तिक है, ओम कहते हैं इनको, कि ब्रह्मा ने जो कहा ये ओम ही में सब चीज है, ब्रह्मा है, ओम का उच्चारण करने से होता है। स्वास्तिक इनका लोगो है कि चारों दिशा को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, चारों दिशा को दिखा रहा है। और हिंदू धर्म नहीं है, उसका नाम है सनातन धर्म। ना इसका कब शुरू हुआ था ये नहीं मालूम है, और ना कब अंत हुआ है ये नहीं मालूम है। और ये भी जिंदगी जीने के लिए बताते हैं कि हिंदू धर्म में हम लोग क्षमा दान भी कहते हैं, दान पुण्य, दान को हम लोग पुण्य कहते हैं, नहीं कहते हैं दान पुण्य, हिंदू धर्म में दान को पुण्य कहा जाता है। तमसो मां ज्योतिर्ग में हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। और भी कहा गया है कि अयम नियम परोवेति रणना लघुचेष्टाम उदार चरिता नाम तुम वसुधे कुटुम्बकम। होल पृथ्वी जो है, विश्व जो है, हमारा कुटुम्ब है, जिसको वेस्टर्न कंट्री कहते हैं ग्लोबल विलेज, कि हम लोग ग्लोबल विलेज हैं। सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है ये, मोक्ष प्राप्ति के लिए है। क्या कि कर्मकांड इतना हो गया कि बौद्ध धर्म ने इसको बदल दिया। थैंक यू, बौद्ध धर्म ने बदल दिया। कर्मकांड इतना महंगा हो गया, सालों साल चलता था, और सिर्फ पशु बलि नहीं होती थी, नर बलि होती थी। इसी के चलते बौद्ध धर्म पनपा कि नहीं, ये कर्मकांड खर्चीला भी बहुत है, और इसमें सिर्फ नर बलि भी होता है और पशु बलि भी होता है। तो उन्होंने इस चीज को रोका। भारत को हमेशा गोल्डन बर्ड कहा गया है। सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे संतु निर्मया, सबका सुख होना चाहिए, सभी सुख हो, सभी लोग मुक्त रहें रोग से, सभी के मंगलमय हो। मूर्ति पूजा इनके यहाँ हिंदू धर्म में प्रबल है। बिना देखे आप तिरुपति जाइए, 30 सेकंड का दर्शन भी नहीं होता है, 5 सेकंड। वैष्णो देवी जाइए, लेकिन देख लिया, छू लिया, देवघर में छू लिया शिवलिंग को, मतलब कि फिलॉसफी में, फिलॉसफी की हिंदी है दर्शन शास्त्र, वही हिंदू। जब तक देखेंगे नहीं तब तक हमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैं मैडम कंक्लूडिंग और चल रहा हूं। कहते हैं लोग कि साइंस एंड रिलीजन कौन बड़ा है, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, ठीक हैं, बड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा कि अभी कभी SLV लॉन्च हुआ था, उसमें सारे साइंटिस्ट, इसरो में सारे साइंटिस्ट ऐसे करके अपना अपना धर्म का पाठ पढ़ रहे, ऊपर पहुंचा। अब आ रहा आ रहा आ रहा, मतलब साइंटिस्ट को मैंने देखा कि साइंस के रहते हुए भी वो हाथ जोड़ के या जो अपना अपना धर्म था निभा रहे थे, कोई कंठ को मारा से ऐसे कर रहा था। तो साइंस एंड रिलीजन में हम दोनों को बराबर समझ रहे हैं, लेकिन रिलीजन रिलीजन ही है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिलीजन किसी का हो भी सकता है, नहीं भी हम कर विश्वास कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी सब में है, आध्यात्मिक सब लोग हैं, किसी न किसी रूप में सभी लोग जाते हैं कि हम मैडम के इजाजत से
कंक्लूड कर रहे हैं, एक पर्व ऐसा भी हम मनाएं, एक पर्व ऐसा भी हम मनाएं इंसानियत के वास्ते, इंसान तो कहलाएं। और हर शाख पर कोयल अमन के गीत गाए, ऐसा पर्व मनाएं, ऐसा पर्व मनाएं जहां बहे केवल प्रेम की धार, ऐसा पर्व मनाएं जहां बहे केवल प्रेम की धार, मरुभूमि में झड़ता रहे सदा सावन की फुहार। एक ही रंग रंग जाए, एक ही रंग रंग जाए यहां पर हर धर्म का इंसान, एक ही रंग रंग जाए यहां पर हर धर्म का इंसान, और गीता से गले मिले बाइबल और कुरान। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, आपने सुना। लिस्निंग बहुत बड़ी चीज है कि कोई सुना मेरी बात को, कहां सुनने के लिए तो आदमी मिलता ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सातवीं बार मुलाकात दिया है। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद है कि आठवां भी पहुंच ही जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल विशुद्ध भारतीय कॉन्सेप्ट है। वेस्ट जो है, यूरोप, इसको समझ ही नहीं सकता। रिलीजन इज नॉट द ट्रांसलेशन, दे हैव नो अदर वर्ड, सो दे हैव ब्रॉट दिस रिलीजन। हर मनुष्य का, दुनिया के जितने आदमी हैं, सबका धर्म एक है। पैदा होते राइट योर ड्यूटी, व्हाट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर धर्म। और ये रिलीजन, मजहब, पंथ, संप्रदाय, ये ग्रुप्स, ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, इससे आदमी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर धर्म को मान लेता वेटिकन तो पोप का क्या होता, पोप तो इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाता। बहुत मुश्किल बात है। और बात को कहना, अच्छा एक और शब्द है, इष्ट निंदा, ये टोटली वेस्टर्न कंसेप्ट है। हिंदुस्तान में इष्ट निंदा नाम का चीज ही नहीं है। ब्लास्फेमी, नास्तिक हुए हैं, चार्वाक हुए हैं, एकम अहम् द्विजो नास्तिक, मैं ही सब कुछ हूं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। तो वेस्ट या पूरी दुनिया इस चीज को समझ ही नहीं सकती है, समझाना ही मुश्किल है, क्योंकि सच बात बोलने पर बड़ा खतरा है भाई, जान भी जा सकता है। तो रिलीजन वे ऑफ लाइफ, दैट इज अ ड्रिल। वे ऑफ लाइफ तो आपकी अंतरात्मा है, आप अंदर जानते हैं इस समय क्या करना है। कोई गिरा है तो उसको उठाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। आग लगा है तो पानी लेकर दौड़ना है। तो उस मामले में जरा जाइए, जरा अपने स्पिरिचुअलिज्म कहा ना, आध्यात्मिक मामला बिल्कुल अध्यात्म की ओर है। बाकी तो सब इंस्टीट्यूशन है। और अगर धर्म दुनिया एक्सेप्ट कर ले, अगर धर्म हमारा एक है, तब तो एका हो जाएगा और हमारा वे ऑफ लाइफ भी बदल जाएगा। बाकी तो सब ड्रिल है, अपनी जगह पर है। थैंक यू। Request Naseem Ahmed sir to kindly come and share his views on the subject. Identity के साथ चलें। अभी जो भी हम लोग मिस्टर मार्बल साहब से सुन रहे थे हर रिलीजन के बारे में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हर रिलीजन में प्लस पॉइंट ज़्यादा हैं, कुछ ना कुछ कमी तो सब में है। वो विश्वास की चीज़ है, अगर आप मानते हैं तो गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी वाली बात है। तो और इट इज़ टोटल मैटर ऑफ फेथ, किस तरह हम किस चीज़ को लेते हैं। छूने से पत्थर भी भगवान में रहता है। तो हर डिफरेंट रिलीजन जो भी है, जिसके बारे में मास्टर साहब ने कहा, हर का बहुत का प्लस पॉइंट, कुछ कुछ माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमिनिटी इज द बेस्ट रिलीजन इन माई ओपिनियन। यस, स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
but currently preparing for civil services examinations of Bihar Public Service Commission. सर ने बहुत अच्छा बताया, मतलब इतने रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इसको आपने इतने अच्छे से हर धर्म के बारे में उसकी अच्छी अच्छी पहलुओं के बारे में बताया. हम तो साइंस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट शुरू से रह गए, लेकिन अभी सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आने के बाद बहुत सारा ये सब चीज़ पढ़े, बहुत सारी बायोग्राफी पढ़े, बहुत सारी बुक्स पढ़े, जिसमें मतलब ये पता चला कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, एंशिएंट से लेकर और आज तक, शुरू से लेकर अभी तक. मतलब इसमें अभी के समय में अगर देखा जाए तो लोग फॉलो कम कर रहे हैं और सो अब ज़्यादा कर रहे हैं धर्म को, यही दिक्कत आ रही है. दूसरा हमको यही एक बस लग रहा है, और बहुत सब भी एक है, साइंस भी अभी प्रूफ कर रही है रिलीजन के बारे में कि फास्टिंग अच्छी है, फास्टिंग करना चाहिए. उसके बाद सारे धर्म पीस ही देती है, मतलब उसको फॉलो करने से मेंटल पीस आती है. उसके बाद हम दो बायोग्राफी पढ़े जो हमको अभी तक की सबसे अच्छा लगा, मतलब एक महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंड एक दूसरी एपीजे अब्दुल कलाम की द विंग्स ऑफ फायर. तो जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम की एक वो बात उनकी अच्छी लगी कि वो एक एयरफोर्स की एग्जामिनेशन देने गए थे देहरादून, और वहाँ वो फेल कर गए. उसमें फेल करने के बाद उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, एग्जामिनेशन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था. तो वहाँ से वापस वो ट्रेन पकड़ के आए वहाँ ऋषिकेश में, और वो प्लान बना लिए थे कि हम गंगा में कूदेंगे यहाँ से, मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट करेंगे. लेकिन तभी जैसे ही वो मतलब क्षणिक भर की दे दी थी, जैसे ही कूदने ही वाले थे, तब तक एक दूर के एक साधु बाबा उनको वहां देख लिए, और वहां से वो आवाज लगाए और उनको वो रुकाए कि आप रुकिए, मतलब जैसे वो अपना अटेम्प्ट रुकिए और रुके तो उसको समझाए. उनके आने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम अपने ऑटोबायोग्राफी में भी एक लाइन उसमें डालते हैं, लिखते हैं उसके बारे में, वहां के पहला गीता का एक लाइन उनको बताया, समझाए और एक पार्ट उनको बताया. उसका था डिफीट द डिफिटियस्ट टेंडेंसी, डिफीट द डिफिटियस्ट टेंडेंसी. उसके बाद उनको सुसाइडल अटेम्प्ट वहां खत्म करा. इसमें उनको उस मतलब वो बाबा को ये तो नहीं था कि वो कौन से धर्म का, वो कौन से क्या, मतलब लास्ट तक एपीजे अब्दुल कलाम वो बाबा से मिलने जाते थे हरिद्वार. ये हमको अच्छा लगा. और गांधी जी का एक बात उनका अच्छा लगा कि वो उसमें लिखते हैं कि लड़का जो पैदा होता है तो वो माँ बाप का धर्म लेके पैदा होता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद बोले कि अब हम इसको हम अब ये मेरे ऊपर है कि हम कौन सा धर्म करें. तो वो सारा धर्म के बारे में पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, बाइबल पढ़े और ये सब पढ़े. लास्ट में उनको सबसे अच्छा गीता लगा, और गीता इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यह धर्म के बारे में कम और कर्म के बारे में ज्यादा था, और अंतिम तक वो इसी को फॉलो किया. थैंक यू सर. थैंक यू. आपने क्या सुना, क्या समझा, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. कुछ पूछना चाहे तो आइए प्लीज. आजर आइए प्लीज. आप तो फ्रंट लाइन में बैठे थे, सुन रहे थे क्या आपको? देखिए इतनी सरलता से सारे रिलीजन्स के बारे में ब्रीफली इतना अच्छा इन्होंने बयान किया कि सबके दिल में बात सीधी उतरती चली गई. कोई बात दिल में डायरेक्टली उतरती चली जाए तो ये उसकी गहन का असर होता है, ये हम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो ये हमने आज माथुर साहब को सुना और डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में जो इन्होंने बताया, एंड रिलीजन ए वे ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग समझ सके कि अगर हम लोग एक्चुअल धार्मिक हो जाए तो सबसे बड़ी बात है इंसानियत हो जाएगी. इंसानियत सारे धर्म जो है इंसानियत की तरफ ही लेके जा रहे होते हैं. मेरा मानना यह है कि किसी भी मजहब के लोग हो, अगर उनके अमल नेक हैं, उनके दिल में दूसरों के लिए दर्द है, मोहब्बत है, नेकी है, भलाई है, इसी भलाई की भावना है, तो वो यकीनन मेरे ख्याल से तो वो पक्का जन्नत में जाएगा. उसके लिए जरूरी नहीं कि इस्लाम का अनुयायी होना लाजिम हो. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. ये इंसानियत को मानने वाला हर कोई इस बात को मानेगा. हो सकता है कुछ लोगों को मेरी ये बात ना गवार हो, लेकिन हर इंसान का अपना अपना व्यू होता है सोचने का. तो आज इस बात की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि लोग
करते हैं कि आओ मेरे मजहब में आ जाओ, मेरे मजहब के अनुयायी हो जाओ. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. अगर सिर्फ इतना कहा जाए कि इंसानियत पर कायम रहो, अपने धर्म पर कायम रहो, जो जिसका धर्म है उस पे चलते रहो, प्योरली उसी पे चलते रहो. और बिकॉज ये सारे मजहब जितने भी हैं वो सब के सब इंसानियत का सबक देते हैं, अच्छा इंसान बनने पे राहिब करते हैं. तो वी जस्ट हैव टू फॉलो द रिलीजन ऑफ ह्यूमनिज्म. इस सिलसिले में मैं कुछ आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी लाइब्रेरी एफर्ट्स करती रही है लोगों को करीब लाने के लिए, और ब्रीफ बुकलेट्स और लेक्चर्स हम लोग ये पब्लिश करते रहे कि एक दूसरे के धर्म को, कल्चर को, सिविलाइजेशन को समझ सकें, ताकि समझ के एक दूसरे के साथ रहना और ज़्यादा आसान हो जाता है. तो इस सिलसिले में आप एक देखिए, सिखिज्म पे एक बहुत शानदार किताब है, सिख धर्म, इसके राइटर हैं राय चित्रमन. दूसरी किताब है जैन धर्म, एन इंट्रोडक्शन टू जैनिज्म by Dr. Vishnu Jain. ये देखिए, Dr. Vishnu Jain was an expert here in Patna Medical College. He was in heart specialist. डॉक्टर साहब आप तो वाकिफ होंगे उनसे, बहुत बड़े इंसान थे वो. फिर एक किताब है The Prophets of India. The Prophets of India जो है ये डॉक्टर के कादरी की किताब है, और उसमें ये बयान किया गया है कि हिंदुस्तान में कौन कौन प्रॉफिट्स उतरे. ये कोई एक अरब की सरजमीन ही नहीं थी कि जहाँ पर पैगंबर उतरे हों. हिंदुस्तान भी एक इतना बड़ा मुल्क है जहाँ पर कई मैसेंजर्स ऑफ गॉड आए. ये उसके बारे में आप देख सकते हैं, प्रॉफिट्स ऑफ इंडिया. दिस इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ जस्ट 15 पेजेस, जिसको आप 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं. और ये किताब है गौतम बुद्ध एंड द सेवियंस ऑफ कुरान. कुरान में किस तरह से जिक्र किया गया है महात्मा बुद्ध का, ये आप देखेंगे. इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टडी. दिस इज येट अनदर बुक ऑन बुद्धिज्म, द रिलीजन ऑफ गौतम सिद्धार्थ. बुद्धिज्म द रिलीजन ऑफ गौतम सिद्धार्थ. इसको तो आप देख ही चुके होंगे हिंदू धर्म बिहार में. ये शाद अजीम आबादी का वर्क है. He died in 1927. ये ब्रीफ बुकलेट है, उनकी अपनी स्टडी है, अध्ययन है, जो शाद अजीम आबादी ने पंडित काली चरण के चरणों में बैठ के अध्ययन किया, ये उसका निचोड़ है. दिस इज अ ब्यूटिफुल वर्क ऑन इस्लाम बाय अबुल फजल. अबुल फजल who died in 1947. This is also a 20-page book. Christianity, पर ये देखिए, a Christian initiative for interfaith dialogue. ये सारी किताबें हमारे यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं. पढ़ने वाले इंटरेस्टेड लोग जो हैं इसको ले सकते हैं. वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ा जा सकता है, और अगर लेना चाहे तो हमारे पब्लिकेशन डिवीजन से ये हासिल किया जा सकता है. मेजर बलबीर सिंह ने सिखिज्म पे किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू सिखिज्म. और एक नई शानदार किताब आई है कृष्ण बिहारी माथुर साहब की, बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट. उनका एक किताब है द हिंदू व्यू ऑफ रिलीजन, सनातन धर्म, फाउंटेन हेड ऑफ ऑल थिंग्स. ये देखिए, ये किताब अभी रिसेंटली लाइब्रेरी ने पब्लिश की है, और आइंदा चल के आप लोग इनको कभी उम्मीद है सुन भी सकते हैं. तो ये एक झलकी मैंने आपको दिखाई. और हमारे खुदाबख्श लाइब्रेरी में हिंदुइज्म पर जो ट्रेजर हाउस मौजूद है, मैनुस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, पांडुलिपियों के फॉर्म में, और साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो ये मैनुस्क्रिप्ट्स हैं भगवद्गीता और रामायण और महाभारत के पर्शियन, अरबिक, उर्दू में, उनका इंट्रोडक्शन है. ये इंट्रोडक्शन इसलिए तैयार करना ज़रूरी था क्योंकि आगे चल के रिसर्चेस के लिए ज़रूरी है कि पर्शियन, अरबिक, उर्दू जैसी लैंग्वेजेस में जो ये हिंदू होली स्क्रिप्चर्स हैं उनमें, और एक्चुअल संस्कृत वर्क्स में
क्या क्या नई बातें हैं, कैसे कैसे इसको ट्रांसलेट किया गया, किस किस इंस्टेंस पे ट्रांसलेशन किए गए, और ये आगे चल के एडिटिंग के काम बड़े शानदार काम हो सकते हैं। तो ये है हिंदू पांडुलिपियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो महफूज है। दिस इज ए रियल वर्क फॉर फ्यूचर रिसर्चेस। तो ये झलकियां आपने कुछ ऐसी देखी जो इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने में खुदाबख्श लाइब्रेरी के कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, और आप लोगों के भी नॉलेज में ये आ गया कि इनको आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो हमारी लाइब्रेरी में स्टडी भी कर सकते हैं और पब्लिकेशन डिवीजन से इसमें ले भी सकते हैं। तो मैं आपकी फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने टाइम दिया और माथुर साहब को सुना, आप लोग तशरीफ लाए, और वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माथुर साहब फॉर गिविंग हिज प्रेशियस टाइम फॉर खुदाबख्श लाइब्रेरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।